and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप आप सब मस्त और एकदम स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो अपनी चल रही है भाई स्पीति राइट, और अभी मैं हूँ शिमला में। अब हम भाई जा रहे हैं शिमला से दिल्ली वापसी। सो हमारा जो मनाली से सर्किट हमने किया था और काफ़ी सारी लोकेशंस एक्सप्लोर करी थी प्रीवियस आपने वीडियोज़ में देखा होगा, और काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी। नहीं देखी है भाई पुरानी वाली वीडियोज़ तो जाके आप देखो। आज है भाई हमारा डे 9। व्यू देखो भाई बालकनी से कुछ ऐसा है। अभी बालकनी में मतलब जा नहीं पाऊंगा यहाँ से देखो अभी, क्योंकि हम जल्दी में हैं बस, और क्योंकि टाइम हो चुका है भाई ये देखो 9:44। तो भाई बाइक्स वगैरह हमारी पूरी रेडी हो चुकी हैं और हम भी रेडी हो चुके हैं। अब कर देते हैं होटल को बाय। होटल का स्टाफ एंड होटल ना प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया थी यार, यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टे किया था मज़ा आ गया। अब चलते हैं भाई आगे की साइड। तो फाइनली भाई अब निकल चुके हैं हम शिमला से दिल्ली के लिए, फरीदाबाद के लिए, एंड आज की राइड होने वाली है भाई शिमला से दिल्ली की। सो आज की राइड में भाई क्या क्या होने वाला है वो चीज़ें दिखाएंगे। बट आपको एक चीज़ बता दूँ भाई, मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना जो भी मैंने रिकॉर्डिंग करी थी सारी की सारी कुछ भी मतलब आवाज़ आई नहीं, माइक ख़राब हो गया था, तो इसलिए मुझे ना इस वीडियो में वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। एंड आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन देंगे चलते चलते। तो सबसे पहले आपको बता दूँ भाई यहाँ का मतलब सुबह ही सुबह देखो कितना ना ट्रैफिक लगा हुआ है पूरा शिमला ना भाई, पूरा मतलब ट्रैफिक से ही होता है। और ये चौक है, अभी यहाँ से निकलते हैं भाई आगे की तरफ। तो भाई लास्ट वाली वीडियो में ना मैंने शिमला के माल रोड को मतलब रात में एक्सप्लोर किया था, क्या लाइटिंग होती है, क्या कुछ खास होता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई थी। नहीं देखी तो जाके देखो भाई, अगर आप भी कभी शिमला आ रहे हो माल रोड का प्लान है घूमने का, तो भाई नाइट का क्या मस्त रहता ना वो आप देखो। वेलकम है जी शिमला के ट्रैफिक में। ये देखिए भाई कितना लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, एक साइड में पूरा का पूरा देखो ये जाम हो रखा है। बट बाइक का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा सा साइड से हम निकल जाते हैं भैया। भाई बहुत लंबा ट्रैफिक है शिमला में ना, यही इशू है कि आप ना मैं जिस टाइम भी आते हैं ना यहाँ पर यार काफ़ी ट्रैफिक रहता है। ये देखिए भाई कितने होटल्स हैं एंड सामने ऊपर ऊपर तक भाई पूरे होटल्स ही होटल्स हैं। धन्यवाद शिमला बोल रहा है भाई हमको, धन्यवाद आप यहाँ पे आए, आप शिमला को हो गया है बाय बाय। बाकी भाई शिमला से अभी जो भी हम चला रहे हैं ना कोई दिक्कत नहीं है भाई, रोड एकदम मस्त है बढ़िया है, और अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो सबसे पहले अब करेंगे भाई ब्रेकफास्ट। चलो भाई यहाँ खाते हैं कुछ, दीपक भाई बोल रहे हैं यहीं लगाओ। चलो भाई चलते हैं। तो भाई ब्रेकफास्ट करने के लिए ना बढ़िया से लोकेशन देखो, सबसे पहले कहाँ रुके भाई, क्या मस्त व्यू है ये। वाह भाई ऐसी लोकेशन मेरे को बहुत पसंद आती हैं। मैंने बोला भाई ऐसे लोकेशन पर रुकेंगे जहाँ पे एकदम खुला डुला होगा। तो ऑर्डर इन्होंने कर दिया भाई, हम तो बोल देते हैं भाई जो ऑर्डर करना कर दो खा लेंगे, बस चाय होनी चाहिए ज़रूर। तो भाई आलू प्याज का परांठा एंड यहाँ पर मैगी आ गई हमारी, चाय आ गई, और बाकी भी आ रहा भाई इसको खा लेते हैं जब तक। चलो भाई ब्रेकफास्ट करके ना मज़ा आ गया। मोस्टली ना भाई जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो आलू के परांठे चाय वगैरह यही सब खाते हैं, मज़ा आ गया। अब चलते हैं भाई, अभी ना पूरा का पूरा ना वन वे ही है, मतलब एक ही साइड से हम जा रहे हैं दूसरी साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं।
टू वे रोड हो गई है स्टार्ट, अब भाई थोड़ा स्पीड में ना भाग पाएंगे। टोल रोड स्टार्ट, पंचकुला 61 किलोमीटर, चंडीगढ़ 71 किलोमीटर। चलो ये लो जी, ये देखो भाई क्या है, बढ़िया। बैरोक टनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे ना भाई टनल के अंदर से मतलब बाहर निकलते ना, ऐसा लगता है कि रात से दिन हो गए एकदम। टोल आ गया भाई, टोल टोल टोल। भाई रोड की कंडीशन भाई एकदम मस्त है, बहुत बढ़िया है भाई। बहुत ही कहीं पे मतलब ऐसे पैच मिले जहाँ पे खराब हो, अदरवाइज भाई A1 बढ़िया रोड है एकदम, मजा आ गया। हिमाचल को बाय बाय एंड वेलकम टू हरियाणा। तो भाई हरियाणा में एंटर करते ही ना थोड़ा सा रुक गए और सामने देखेंगे ना वहाँ पे हरियाणा का सबसे पहला ठेका आ गया भाई, एकदम जहर, मजा आ रहा है भाई, मजा अपना मतलब फील हो रहा है यार कि अब हम स्पीति राइड का लास्ट डे है तो हम मतलब घर जा रहे हैं, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। बाकी भाई बढ़िया है, मज़ा आ गया, रोड एकदम मक्खन है, बढ़िया। मुझे ट्रैफिक मिल गया, ट्रैफिक यह इसलिए भाई क्योंकि ना यहाँ से सीधा चले जाएंगे अपना हरियाणा की तरफ और राइट में ना निकल जाएंगे चंडीगढ़ वाली साइड। इट्स पेट्रोल टाइम, पेट्रोल भाई बाइक को फुल करा देते हैं और फिर आगे और भी ट्रैवल करना है। अभी पेट्रोल डाल दो भाई जल्दी, पेट्रोल यार बहुत देर से खड़े हैं भाई, पेट्रोल डाल दो। तो ना थोड़ी देर हमने यहाँ पे रेस्ट करा, अब भाई वापस से निकलते हैं टुवर्ड्स दिल्ली के लिए। तो अभी हम ना जब पेट्रोल पंप पे ना रेस्ट कर रहे थे तो एक अंकल जी गाड़ी से उतर के आए और हमारे ना बाइक्स वगैरह लोडेड देख के सामान पूछने लग गए भाई, कहाँ से और कितने दिन का ये सब चीज़ें पूछने लग गए भाई, कहाँ से ट्रिप करके आ रहे हो और कितने कितने दिन के लिए आप निकलते हो, वो सारी चीज़ें पूछ के अच्छा लगा उनसे बातें बातें करके, मतलब मज़ा आ गया, अच्छा लगा। तो भाई सामने देखिए जो धनुष बना हुआ है ना और इस पर लिखा हुआ है हरियाणा, तो भाई ये वाला जो धनुष है ना मतलब काफ़ी, जब भी आप ना चंडीगढ़ वाले रूट पे जाते हैं, चंडीगढ़ साइड जाते हैं तो आपको दिखेगा, आप भी बताइए भाई आपने भी देखा होगा। और ये कौन सी जगह भाई, रास्ते में चलते चलते ना पता नहीं कुछ अलग अलग ही चीज़ें दिखती रहती है, ये पता नहीं अंडे की शेप में क्या है। कुरुक्षेत्र 32 किलोमीटर, करनाल 62 किलोमीटर, पानीपत 101 किलोमीटर और दिल्ली 191 किलोमीटर। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की यात्रा के लिए धन्यवाद, कुरुक्षेत्र हमें धन्यवाद करता हुआ। और भाई कह रहा भैया रुकना है तो बस मन्नत में ही खाने के लिए, चलो भाई रुकते हैं। लो जी पहुंच गए भाई मन्नत और खाते हैं भाई, अब यहाँ पे करते हैं भाई लंच। अभी छोले भटूरे एंड मीठी लस्सी देख रहे हो, इनके तो आगे मेरा नहीं आया अभी, क्यों नहीं आया, कुछ स्पेशल आने वाला है मेरा। चलो भाई अब आ गया, देखो मेरी आ गए भाई, अब भटूरे आ गए, बढ़िया भाई। चलो भाई अब जल्दी से इसको निपटा लेते हैं, खा लेते हैं, बड़े टेस्टी लग रहे हैं भाई। जनरली वैसे मैं हल्दीराम के खाता हूँ बट चलो यहाँ के भी खा ही लेते हैं। बढ़िया आ गई लस्सी, लस्सी बढ़िया लग रही है।
भाई दो लस्सी मैं पीऊँगा, एक ये पिएगा, ये भाई पानी पिएगा। ला भाई पानी पियो, पानी पियो, पानी। टाइम हो चुका है 5:04 और छोले भटूरे खा के भी मज़ा आ गया भाई, अपने से तो पूरा खाया भी नहीं किया। एंड लस्सी, वाह यार बढ़िया थी, एकदम मस्त थी, छोले भटूरे भी अच्छे थे। चलो भाई अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन दिल्ली की तरफ। भाई अभी भी करनाल 23 किलोमीटर, पानीपत 59 किलोमीटर, दिल्ली 149 किलोमीटर। तो भाई करनाल भी हमारा वेलकम कर रहा है, वेलकम जी वेलकम। चलते चलते भैया गुरुद्वारा बाबा जी के दर्शन भी हो गए। चलिए भाई जय बाबा की। भाई स्पीति राइड भी ना सबकी ड्रीम राइड होती है, जैसे कि यार लेह लद्दाख जाना ड्रीम होता ना, ऐसी स्पीति राइड भी करना बहुत लोगों का ना एक ड्रीम राइड होता है, और वो भी बाइक से जाना। तो यार हमने तो फाइनली वो ड्रीम पूरा कर लिया। एंड आप कब कर रहे हैं वो भी कमेंट करके बताना। देखो काफ़ी सारी मैंने इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी है आपके साथ, रूम्स को लेके, स्टे को लेके, लोकेशंस को लेके, कैसे वहाँ की रोड कंडीशन है, काफ़ी सारी चीज़ों को लेके ना बहुत सारी चीज़ें आपको आपके साथ ना वहाँ पे शेयर करी हैं। एंड पुराने मतलब जितने भी वीडियोस हैं पूरी प्लेलिस्ट आप देखना, अच्छा लगेगा आपको। और कोई भी डाउट्स हो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी आप मेरे से पिंग करके पूछ लो, कमेंट करके भी पूछ लो, कुछ भी जो जितना होगा भाई आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और काफ़ी सारे मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे तो आपके लिए कोई डेडिकेटेड वीडियो भी बनाएंगे। बाकी बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ा आया भाई, और बाइक से करने का तो यार अलग ही मज़ा आता है। चलते चलते भी ना यार मतलब ऐसे सोचते हैं कि थोड़ा सा और चल ले, थोड़ा सा और चल ले, थोड़ा सा और चल ले, फिर रुकेंगे, फिर रुकेंगे। और ऐसे ऐसे होते होते देखो भाई पानीपत रह गया 7 किलोमीटर। लो भाई अंधेरा सा भी हो गया अब तो, पर मजा आ रहा है भाई बाइक चलाने में। जामनगरी देख रहे हो भाई, आते ही ट्रैफिक हो गया भाई, समझ जाओ कहाँ पहुंचे। देख रहे हो भाई सोच रहे थे यार कि वहां रुके वहां रुके, अब जाके अंधेरा सा हो गया ना, अब रुके हैं जाके वो भी दिल्ली में। दिल्ली में घुसते ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई ट्रैफिक मिले ना, इम्पॉसिबल है भाई ये दिल्ली में ट्रैफिक ना मिलना तो। तो भाई पहुंच चुके हैं दिल्ली, और भाई बहुत मज़ा आया और आपको भी मज़ा आया होगा हमारी पूरी स्पीति राइड से। बैटरी भाई ख़त्म होने वाली है इसलिए मैं ना वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म कर रहा हूँ। तो भाई अपने भाई लोग जो साथ में थे उनसे भी बता देते हैं, भाई कैसा रहा भाई अपना ट्रिप? भाई बहुत मज़ा आया। हाँ भाई गंजे कैसा रहा? मज़ा आया भाई, मैं वहाँ गंजा भी हो गया भाई। भाई वाकई में भाई बहुत मज़ा आया, आई होप आपको ये वाली पूरी सीरीज पसंद आई होगी। और आप भाई 9 दिन के बाद पहुँच चुके हैं घर पे और हमारी स्पीति राइड होती है अब। एंड बहुत बढ़िया मज़ा आया, काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी चीज़ों का एक्सप्लोर किया। एंड एवेंजर का रिव्यू बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं आई कहीं पे भी, और ग्राउंड क्लियरेंस के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं बट कोई दिक्कत नहीं हुई, सब बढ़िया था यार। आपने देखा कि कैसे हमने ऑफ रोडिंग में भी उसको चलाया, कितने हाइट पर चलाया, बहुत ज़्यादा हाइट आई तो थोड़ी सी कहीं कहीं पर प्रॉब्लम्स आई बट चढ़ गई, बट वो उस लेवल पे प्रॉब्लम आई जहाँ पे हिमालयन भी फेल हो रही थी। बहुत बढ़िया था यार। एंड आपने पूरी सीरीज़ देखी होगी तो आपने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा, एंड आपने काफ़ी कुछ मतलब देखा भी होगा, तो बहुत कुछ था यार इस सीरीज़ में, और हमारे लिए भी देखने के लिए, आपके सीखने के लिए भी। आई होप आपको ये वाली पूरी सीरीज़ पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना एंड कॉमेंट में बताइएगा
अगली ट्रिप कहाँ की करें, कहाँ की आपको सीरीज बना के दें पूरी। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। काफ़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियो और भी आने वाली हैं स्पीति राइड के रिगार्डिंग। चलिए बाय बाय।